एक्सिस का है एक्चुअली कि AGB का है, मतलब तो पहनने के बाद अपना तो कुछ ऐसा दिख गया भाई। तो एक्चुअली तो टाइम हो रहा है अभी 9:48, निकल चुके हैं। तो यो गाइस, मैं हैदर जानता हूँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनस एड्रेस। तारीख हो गया 11th of June 2022। संडे को जैसे हमने बोला था कि हमको घर आके फिर से और एक ब्लॉग शूट करना है एंड कुछ स्पेशल है, तो यस, तो वो वाला स्पेशल वाला वीडियो उस दिन हमने शूट नहीं किया था क्योंकि उस दिन इतना थक गया था ना भाई, तो उसके चक्कर में हम मतलब वीडियो शूट नहीं किया था उस संडे को। तो आज वीडियो को शूट करेंगे एंड अनबॉक्सिंग करेंगे घर आके। अभी तो फिलहाल घर में नहीं है, फिलहाल कुछ और ही जगह में जा रहे हैं। चलिए गुड टू मिरिक वाला जो वीडियो है ना वो वाला, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया तो काफ़ी भाई दुख लगा देख के। दो तीन दिन से ना ऐसा है मौसम, देखो भाई दो तीन दिन से मौसम पता नहीं मौसम को क्या हो गया, मतलब बारिश बारिश चारों तरफ कीचड़ कीचड़ भाई, पता नहीं क्या हो गया। सो देखो रोड का हालत, देखो रोड का हालत भाई साहब, मतलब चारों तरफ पानी पानी देख रहे हो। एंड अपना बाइक में जब पूरा कीचड़ भर गया, तो बाइक भी कल संडे है, कल तो संडे है, कल देखेंगे एक बार, कल अगर वॉश हो गया तो ठीक है, अगर टाइम मिल गया तो कल बाइक को एकदम पूरा एकदम चकाचक कर देंगे। एंड भाई इस बारिश के चक्कर में मतलब ठीक से मोटर ब्लॉक नहीं कर पा रहे। एंड कल भी हम कैमरा लाया था लेकिन कल एक गड़बड़ हो गया था कल में, तो कल में कैमरा तो ले गया था लेकिन भाई साहब कल हम मतलब अपना SD कार्ड लगाना भूल ही गए कैमरे में, तो कल SD कार्ड का चक्कर में मतलब वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो इसलिए हम सोचे कि चलो आज कर ही लेते हैं। एक्चुअली हम अभी जा रहे हैं ऑफिस, तो हम इस कौन वाला रोड में जो अपना डेली बेसिक का रोड है। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है भाई, कंफ्यूज हो गया बेचारा वो भी कि कहाँ जाए कहाँ भागे। अपना कैमरा का एंगल कैसा आ रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है, वो तो एडिट करने का टाइम पे पता चलेगा भाई। जिस टाइम हम शूट कर रहे हैं उस टाइम पता ही नहीं चलता है कि कैमरा का एंगल कैसा है कैसा नहीं है, ऐसा दिखाता तो ठीक ही है लेकिन जब मतलब एडिट करने बैठते ना तब पता चलता है कि कैमरा एंगल ठीक नहीं हुआ कि और थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, तो ऐसा होता है। पूरा टोटो का लाइन लगा हुआ है भाई। अपना बाइक में ना मतलब ज़्यादा लीन नहीं कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा स्लो कट करने का मतलब डर लगता है क्योंकि अपना बाइक का पीछे का वो व्हील है ना इतना मतलब वो स्लिप करता है, इतना स्किड करता है कि भाई मत पूछो, भयंकर वाला स्किड करता है, तो डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है बाइक में बाइक के साथ। देखते हैं क्या क्या होता है। लास्ट वाला वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मतलब अच्छे से मतलब शूट नहीं कर पाया था क्योंकि देखो ना इतना खतरनाक वाला बारिश हुआ था उस टाइम में, मतलब जब घर से निकला था हम तो उस टाइम में मतलब ऐसा ही था, क्लाउडी वेदर था पूरा, ऊपर से मतलब हल्का हल्का बारिश हो रहा था उस दिन, लेकिन जब निकल गए थे ना राइड में तो सुकना का साइड में जाके भाई इतना खतरनाक वाला बारिश हुआ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में इतना खतरनाक वाला बारिश कि भाई साहब फिर मतलब रेनकोट लगा के गया था एंड इतना हाथ जम गया था ना उस दिन। लास्ट टाइम ऐसा मेरे साथ दो बार हुआ कि मतलब हिल्स में जाके एंड इतना बारिश में भीग के मतलब हाथ जम गया है, जो अपना ग्रुप के साथ गया था लास्ट टाइम, तो वो वाला वीडियो भी अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जो जाके देख लेना एक बार। एंड हमको यहाँ से जाना है लेफ्ट। एंड सिलीगुड़ी का ट्रैफिक तो अभी मतलब इतना भयंकर हो गया ना, सिलीगुड़ी का पुलिस लोग का पुलिस का ऊपर भी मतलब मीम बन रहा है बहुत सारा देख रहे हैं हम। मिरिक जो है ना मिरिक और एक बार चलेंगे, जिस दिन धूप होगा ना अच्छा खासा धूप तो उस दिन चलेंगे मिरिक, क्योंकि मिरिक जो जगह है ना इतना खूबसूरत जगह है ना भाई, मतलब उस दिन जाके हम मतलब ठीक से मतलब इतना दूर जाके ढंग से फ़ोटो भी नहीं ले पाया बाइक के साथ एंड अपना खुद का भी वीडियो मतलब फ़ोटो नहीं ले पाया बारिश के चक्कर में, क्या करें मतलब रेनकोट संभाले कि फ़ोन संभाले कि मतलब क्या करें भाई, मतलब कन्फ्यूज़ हो गया था, इतना खतरनाक वाला बारिश हुआ था ना वहाँ पर तो पूरा कन्फ्यूज़ हो गया था उस दिन, मतलब कुछ ढंग से कर ही नहीं पाया। और एक बार चलेंगे मिरिक, तो जिस दिन धूप होगा ना खरा धूप मतलब भयंकर वाला धूप जिस दिन होगा उस दिन चलेंगे। एंड अभी यहाँ पर भी ट्रैफिक है, तो दो दो ट्रैफिक बिठाया हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली ये वाला ट्रैफिक बहुत बार दिखा चुके हैं हम। कॉस्मोस नहीं, कॉस्मोस का आगे एक ITI मोड़ में, तो ITI मोड़ में भी मतलब ट्रैफिक बिठा रहा था लेकिन पुलिस लोग का पूरा मीम बन रहा है एंड शुरू का ट्रैफिक इतना गंदा वाला हो गया ना, तो इसका इसलिए मतलब मीम मतलब खोल दिया था वहाँ पर। एंड हम चलेंगे आज सीधा, यहाँ भी खोल दिया भाई, ठीक है खोल दिया है, चलो ठीक ही है।
एंड यहाँ से जाना है हमको राइट। दूसरा टाइम में तो हम गली होके जाते हैं, वहाँ से आपका इंटरनेशनल मार्केट होके जाते हैं, लेकिन आज व्लॉग शूट कर रहे हैं तो इसके चक्कर में इधर से जा रहे हैं। तो गाइस हम है आपका गुरुद्वारा का सामने, ये रहा गुरुद्वारा तो दिल्ली का रोड। एंड ये वाला देखो भाई खतरनाक दिख रहा है, खतरनाक। एंड यहाँ पर भी एक ट्रैफिक, इतना दूर दूर में ट्रैफिक होना तो चलो ठीक है भाई, लेकिन इतना मतलब वहाँ पर जो है ना पीछे में इतना भयंकर वाला, साथ ही साथ एक किलोमीटर जैसा मतलब ट्रैफिक दे दिया है। जैसे कि आप लोगों ने आज का टाइटल एंड थंबनेल में देखा आप लोगों ने, तो यस फाइनली आई गॉट इट। तो उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखते हैं कब होता है। अभी तो टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 10:03। तो शाम को अगर जल्दी घर पहुँच गए, देखेंगे शाम को अगर पहुँच गए तो अनबॉक्सिंग कर देंगे, नहीं तो कल अनबॉक्सिंग करके कल ही वीडियो अपलोड करने का ट्राई करेंगे एक बार। अभी हम है आपका चर्च रोड में, एंड ये वाला रोड में भी तो इतना भयंकर जाम लगता है कभी कभी। तो हमको यहाँ से जाना है लेफ्ट। तो अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं। शाम को अगर जल्दी निकल गया तो मोटो ब्लॉग अगर करने को मिल गया तो करेंगे, नहीं तो फिर कल। ठीक है, ओके बाय बाय। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज तारीख हो गया 12 जून 2022। तो आज है संडे, तो आज संडे का दिन भी भाई एक बार वेदर देख लो, आज भी एकदम इतना क्लाउडी वेदर है ना, तो मतलब पता नहीं चल रहा कि हर संडे को क्यों इतना क्लाउडी वेदर हो रहा है। आज भी प्लान था कुछ अलग ही प्लान था आज भी संडे को, लेकिन ये वेदर देख के ना मतलब यहाँ पर तो ठीक ही है, लेकिन वैसे हिल्स में जो है, हिल्स में अभी भी बारिश हो रहा होगा, कन्फर्म, इतना कन्फर्म है हम कि हिल्स में बारिश हो रहा होगा अभी। तो अभी एक्चुअली हम ऊपर आया क्योंकि कुछ अनबॉक्सिंग करना है, तो जैसे कि हमने टाइटल और थंबनेल में देखा आप लोगों ने, तो वो चीज़ आज करेंगे। तो एक्चुअली कल रात को जो है ना हम बहुत लेट से आ गया था, तो लेट से आ गया था ऑफिस से, तो इसलिए कल अनबॉक्सिंग नहीं हुआ। तो हम सोचा कि चलो आज सुबह सुबह कल दोपहर तक और एक ब्लॉग शूट करना है, क्योंकि संडे है बोल के। तो देखते हैं कहाँ चलेंगे, सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे एंड एक बार सिनेमेटिक दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अपना सामान। तो एक्सेस का हेलमेट है, तो एक्चुअली मेरा ये जो मतलब एक्सेस का हेलमेट है ना, ये एक्चुअली मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो बर्थडे गिफ्ट समझ लो, थैंक यू फॉर दिस। तो जिन्होंने दिया है ये गिफ्ट, तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। तो ऐसा कुछ दिखता है, एंड यहाँ पर आपका हेलमेट का मतलब हेलमेट दिखता है, एंड ये जो साइज है इसका ये हो गया एम साइज। और सबसे पहले खोल निकाल लेंगे एक बार। तो एक्चुअली हम पहले ये जो हेलमेट है ना पहले भी निकाला था, एंड यूज़ भी एक बार पहन के देखा था, जस्ट ट्राई किया था, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया हम एक्चुअली। तो सबसे पहले निकाल लेंगे भाई साहब, मतलब ऐसा दिखता है भाई खतरनाक। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद ना कुछ इस तरह का दिखता है, एंड सबसे पहले मिल जाता है आप लोग को एक पाउच मिल जाता है, 12 पाउच, जो जिसका अंदर आपका सर भी आ जाएगा, इतना बड़ा पाउच है ये। तो एक थैला, हम लोग थैला बोल देते जहाँ पर बोलते हैं, तो थैला मिल जाता है, एंड इसके साथ कुछ मैनी बुक। तो ऐसा अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, अभी कुछ काम का है नहीं, तो हम इसको पहले भी पढ़ दिया था एक्चुअली, तो जस्ट दिखाने के लिए निकाला हम। तो जो मेन चीज़ है तो वो दिखाया गया सबसे पहले, वो ये चीज़ निकालेंगे सबसे पहले। लुक एट दिस गाइस, मतलब फिनिशिंग देखो इतना खतरनाक दिख रहा है ना। तो ये अगर मतलब ये लोगो अगर हटा के AGB का अगर लोगो लगा देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, एंड कोई पहचान भी नहीं पाएगा इसको, ये एक्सेस का है एक्चुअली कि AGB का है। मतलब ऐसे जो ब्रांड पहनता है एक्चुअली वो तो पहचान ही जाएगा, लेकिन जो ब्रांड नहीं पहनता है AGB का, तो उसको तो एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि ये AGB है कि एक्सेस है भाई। तो हम लोग का देसी जुगा, एंड तो देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड भाई फिनिशिंग देखो एक बार, इतना मस्त कलर है ना, एंड हमको बहुत अच्छा लगा ये एक्चुअली कलर। तो एक्चुअली इसका अंदर मतलब सिंगल वाइजर आता है, तो अगर ये डबल वाइजर आ जाता ना तो ये मज़ा आ जाता। तो एक्चुअली ऐसा है, कुछ करके दिखाया था एक बार आप लोगों को कैसा दिखता है। ठीक है, तो पहनने के बाद अपना को कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक्चुअली खराब के बनाने लगा था वीडियो ये, तो एक्चुअली खराब होने से ना मतलब पूरा वो नहीं आ रहा था, तो हम सोच रहे थे चलो बैठ के बना देते, तो ऐसा दिख रहा है कुछ। तो ऐसा
तो आज हम पहनेंगे, ठीक है। तो आज है संडे, तो ऐसे में टाइम तो बहुत हो रहा है, तो हम निकलेंगे अभी। तो नया वाला हेलमेट पहनेंगे एंड इसका अंदर मतलब माउंट नहीं लगेगा, यहाँ पर माउंट नहीं लगेगा, क्योंकि माउंट के लिए मतलब दूसरा को जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ तो नहीं करेंगे, जो माउंट टाइप वो आता है ना, माउंट मतलब वो मिलता है तो उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो एमसील तो नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ख़राब हो जाएगा भाई। तो एमसील नहीं लगाएंगे, तो देख लेते हैं ऐसा कुछ देखते हैं हेलमेट। बस ये लुक कुछ ऐसा दिख रहा है एंड सामने आपका एक्सेस का ये ब्रांडिंग दिखता है। तो ये हेलमेट जो है ना मतलब सिंगल वाइजर है, ये अगर डबल वाइजर हो जाता तो मज़ा आ जाता। इसको हम सोच रहे कि एक ब्लैक वाइजर भी ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन देखना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है एक्चुअली इसका। बेस हेलमेट चाहिए 4000, तो एक्चुअली हमको ये लगता है क्योंकि 4000 में इतना अच्छा फिनिशिंग हेलमेट वाला कोई नहीं देगा। तो लुक देखो भाई, इतना मस्त लुक दिख रहा है ना, एंड चलाने के बाद तो और अलग ही लुक दिखता है भाई। ऐसे पिन है ये, एक्चुअली ईजिली मतलब आप इसको रिमूव कर सकते हो वाइजर को, एंड पीछे का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, ए वन है भाई। तो मज़ा आ गया इतना। आज एक्चुअली संडे है, तो हम सोचा कि अगर बारिश नहीं आएगा ना तो ये वाला हेलमेट पहनेंगे, एंड जो पहले वाला अपना हेलमेट है ना उसको हम रेगुलर के लिए यूज़ करेंगे, एंड ये राइड वाइड के लिए जब राइड होगा तब हम ये पहनेंगे, तब ये यूज़ करेंगे। एक मतलब वो करना पड़ेगा, माउंट ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें एम सील नहीं लगाएंगे। तो गाइस सबसे पहले बोलो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि आप लोगों को हेलमेट कैसा लगा भाई, तो हेलमेट कैसा लगा वो भी कमेंट करके बोलना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।